वहीं गोरखपुर में राप्ती, रोहिन और घाघरा नदी के अलावा कुआनो और आमी नदी का भी कहर जारी है। शहर से लेकर गांव तक हालात बेकाबू हो चुके हैं। तेजी से बढ़ रहा है नदियों का पानी, नेशनल हाईवे पर पानी पहुंच चुका है और यही वजह है कि भारी वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया है। गोरखपुर से वाराणसी NH 29 और गोरखपुर से सनोली जाने वाले NH 9 पर पानी जमा है। नदियों से आए उफान की वजह से 300 गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें 2.25 लाख आबादी है और इस वक्त मुश्किल में है। कौड़ीराम ब्लॉक का भरवलिया और बसावनपुर रिंग बांध भी टूट चुका है, जिसमें 2 और गांव बाढ़ की चपेट में है। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। यहाँ तो पानी बहुत सा बढ़ गया। कितने दिनों से पानी यहाँ लगातार बढ़ता जा रहा है? यहाँ से आज 5-6 दिन से लगातार बढ़ जा रहा है, एकदम पूरा तेजी जा रहा है। अगर ये पानी बढ़ा तो क्या हो सकता है? ये पानी बढ़ा तो आफत हो सकता है, गांव बह सकता है। खतरा तो हम लोगों को बहुत ज्यादा हो जाएगा, घर बार छोड़ना पड़ जाएगा हम लोगों को। तो देखिए ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कई नदियां जो इस वक्त उफान पर हैं और इसके साथ ही लोगों की परेशानी भी लगातार बढ़ती जा रही है। नेशनल हाईवे तक पानी पहुंच चुका है, कोशिश यही हो रही है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। वहीं गोंडा में भी घाघरा और सरयू नदी खतरे के निशान के ऊपर बहती जा रही है। तरबगंज तहसील क्षेत्र के नवाबगंज मानसा इलाके में 1 दर्जन गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं, लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तो वहीं कई लोग जान को जोखिम में डालकर बाढ़ के पानी में सफर करने को मजबूर हैं। कटान की वजह से सैकड़ों एकड़ फसल अब तक जलमग्न हो चुकी है। कटान की वजह से लोग दहशत में हैं। बाढ़ पीड़ितों ने जिला प्रशासन पर राहत सामग्री मुहैया नहीं कराने का भी आरोप लगाया है। गोंडा के 2 तहसील क्षेत्र में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जो घाघरा और सरयू नदी लगातार तांडव मचा रही है। नवाबगंज के माझा इलाकों में लगातार जो है 1 दर्जन से अधिक गांव टापू में तब्दील हैं। लोगों के घरों तक पानी भरा हुआ है और लोग सड़कों पर अपने जान जोखिम में डालने को मजबूर। आप देखिए तस्वीर, देखिए जिस तरीके से लोग साइकिल से पानी में आ जाने को मजबूर हैं। अगर बात की जाए तो लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लगभग यहाँ पर 6,000 की आबादी पड़ जाता है। क्या नाम है आपका? देखा तो हो जाए थे, कहाँ है कोई अभी यहाँ तक कोई पहुँचा, कोई आया? कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। पल्ली एक रोज बांटे लाए वह नहीं मिली, एक उठरे कौन व्यवस्था है, लेके लाद के लाए, लाद के भाग गए। तो लोगों का कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से जिला प्रशासन केवल 1 दिन आया था और तिरपाल बांटने के बाद अभी तक नहीं पहुँचा है, लेकिन जिला प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि यहाँ पर लोगों को जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं। क्या नाम है आप? राम किशन। बहुत ही पूरा सब भरा है, भरा हो कम से कम 10 पूरा वहाँ 20। सरकार को चाहिए कि 10-15 दिन के अंतराल पर पानी छोड़ें तो इससे फसल भी हो जाए, देश की उन्नत हो, लेकिन ये कुछ नहीं हो रहा है। ना नाव ग्रामीण का साफ तौर पर कहना है कि जो ऊपर जो बाढ़ खंड के जो अधिकारी हैं उनको ये चाहिए कि समय से जो है पानी को कुछ देर के अंतराल पर छोड़ा जाए, जिससे उनको फसल, उनके फसल और जो उनके जीवन की जो कार्यशैली है, जो उनकी सुविधाएं हैं, उससे कोई प्रभावित ना हो पाए जिस तरीके से। लेकिन जो ग्रामीण में रोष है, अब जिला प्रशासन अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। कृष्ण कुमार, एपी गंगा, गोंडा। वहीं नेपाल की ओर से सरयू नदी में फिर छोड़े गए 3 लाख क्यूसेक पानी की वजह से हालात और खराब हो रहे हैं। आपको बता दें कि बाराबंकी में रामनगर, सिरौली, गोसपुर और फतेहपुर और इसके साथ ही रामस्नेही घाट तहसील का कुछ इलाका बाढ़ की चपेट में है। सिरौली गोसपुर के करीब 12 से ज्यादा गांव बाढ़ का पानी जहां पर घुसा हुआ है और एबीपी गंगा संवाददाता ने बाढ़ प्रभावित रामनगर के हतमापुर क्षेत्र का हाल जाना है, दिखाते हैं आपको। सरयू नदी में जब बाढ़ आती है तो लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ जाती हैं और इस दौरान एक नहीं तमाम सारी समस्या इनके सामने खड़ी होती है। हम इन्हीं लोगों से जानते हैं कि कितनी दिक्कतें होती, क्या क्या समस्याएं हैं। हमारे साथ यहाँ जो है स्थानीय है व्यक्ति हैं, क्या नाम है आपका? प्यारे लाल। अच्छा प्यारे लाल जी, बताइए कि अभी बता रहे थे कि क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या? यहाँ लालपुरवा में 3 जगह सड़क कटी हुई है, लेकिन एक बार सुनवाई भी नहीं होती है। सर मेरी सड़क है, रोड हेतमापुर, पक्की रोड कटी है बाबा नारायण दास हेतमापुर की, उसमें बार बार मट्टी पिटवा देते हैं, फिर वो खुल जाती है, एक बार पुलिया अच्छी खासी नहीं बनाती है। सर इसके लिए जरूर से जरूर सुनवाई की जाए। और सर मेरे यहाँ 2 बार गल्ले बटा है बाढ़ राहत सामग्री, उसमें सर मिट्टी का तेल एक बार भी नहीं मिला है। हमारे मौजा में जानते हैं जो बटलेरा ग्राम पंचायत लगता है, उसमें करीब कितने गाँव होंगे? लगभग सर 10 गाँव
आठ या दस गांव लगभग धंस रहा है सर। और तो अगले मोर्चे के बारे में हम नहीं जानते हैं कितने कौन से मोर्चे में गांव हैं, लेकिन हमारे गांव जो है दस गांव बहुत ज़्यादा धंस है। तो देखिए, ये है यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्याएं जो पिछले कई वर्षों से इनके सामने इसी तरह जो है लगी हुई है। और लोगों का आरोप है कि यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन इन लोगों की सुनवाई नहीं करता है। हालांकि यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि जो राशन सामग्री है वो दी जाती है, लेकिन जो मिट्टी का तेल है और जो इनके फसलों का जो मुआवजा है हर साल जो है इनसे कागज़ तो लिए जाते हैं, लेकिन इन्हें मुआवजा नहीं मिलता है। सतीश कश्यप, ABP गंगा, बाराबंकी।